नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे इग्निशन कॉइल। तो इसको अब हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसा ये टेस्ट करते हैं वो। तो बहुत वीडियो मैंने देखे हैं इंटरनेट पे इग्निशन कॉइल टेस्ट करते हुए, और बहुत ही कंफ्यूजिंग है कुछ वीडियोज़ और कुछ वीडियोज़ टिक टॉक है। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा मैं ये इग्निशन कॉइल टेस्ट कैसे करता हूँ वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है बजाज पल्सर का इग्निशन कॉइल सिंगल स्पार्क प्लग का। तो इसको अभी कैसे टेस्ट करते हैं वो आपको मैं दिखाऊँगा। तो इसको एक पॉजिटिव होता है और एक ग्राउंडिंग होता है। ये इसका पॉजिटिव है और इसका ग्राउंडिंग जो है वो ये है, एक प्लेट जैसा रहता है। ठीक से आप देख सकते हो तो दिख लीजिएगा, एक साइड में प्लेट जैसा, ये साइड में कुछ नहीं है। तो ये साइड आपको कनेक्ट नहीं करना है, ये साइड देखिए एक प्लेट जैसा है, अंदर से बाहर आता है वो। तो ये प्लेट को आपको मल्टीमीटर लगा के टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी इग्निशन कॉइल आप जब चेक करते हो तो आपको पहले ये दोनों पॉइंट्स किधर है वो देखने पड़ेंगे, इसका पॉजिटिव और इसका ग्राउंडिंग। तो ये दोनों पॉइंट्स किधर है वो मालूम करने के बाद आप इसको आराम से टेस्ट कर सकते हो। तो अब मैं लेके आऊँगा मेरा मल्टीमीटर, और मेरे मल्टीमीटर को मैं अभी 200 ओम्स पे रखूँगा। इधर देखिए, तो हर एक इग्निशन कॉइल में दो कॉइल्स रहते हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल आपका पॉजिटिव और ग्राउंडिंग को लगा के टेस्ट करना है, और सेकेंडरी कॉइल है वो आपको ग्राउंडिंग और आपका जो स्पार्क प्लग का वायर है उधर लगा के आपको टेस्ट करना है। तो पहले मैं टेस्ट करूँगा प्राइमरी कॉइल। तो ये पॉजिटिव वायर मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट किया है, और ये नेगेटिव जो है वो इधर ग्राउंडिंग को मैं लगा के टेस्ट करूँगा। तो इधर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा रीडिंग आने को चालू हो गया है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो देखूँगा किधर रुकता है वो। तो इधर आप देख सकते हैं 1.2 1.1 इसका रेटिंग होता है, ये सेकेंडरी कॉइल से हमेशा कम ही रहता है। तो ये प्राइमरी कॉइल मेरी टिक टाक है। अब मैं चेक करूँगा मेरे सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल चेक करने के लिए आपको नेगेटिव वायर जो है वो ग्राउंडिंग को टच करके रखना है, और पॉजिटिव है वो इस वायर को जिधर आपका स्पार्क प्लग लगता है उधर कनेक्ट करना है। तो अब आपको मल्टीमीटर का सेटिंग चेंज करना है, और आपको डालना है 20K ओम्स पे। और आप देख सकते हैं मैंने सेटिंग चेंज किया है, और अब मैं मेरी कॉइल चेक करूँगा। तो सुजुकी एक्सेस, होंडा एक्टिवा और बजाज पल्सर का कॉइल मैंने टेस्ट किया है, और उन सब कॉइलों में सेम रीडिंग आता है। और आगे और भी कॉइल्स में टेस्ट करूँगा तो उनका रीडिंग कितना आना चाहिए वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो इधर मैंने कनेक्ट किया है पॉजिटिव मेरे स्पार्क प्लग के वायर को, और नेगेटिव मैंने कनेक्ट किया है ग्राउंडिंग को इधर। और इधर आप देख सकते हैं 5.00 मेरा रीडिंग आ रहा है। तो ये कॉइल टिक टाक है। तो ऐसे आपको टेस्ट करना है आपका इग्निशन कॉइल। तो इग्निशन कॉइल रिप्लेस करने से पहले आपकी इग्निशन कॉइल ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मैकेनिक्स आप तो जानते ही हैं, उनको ज़्यादा मालूम भी नहीं रहता है, वो आपके इग्निशन कॉइल सीधा चेंज कर देते हैं, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। फिर आप और एक पार्ट रिप्लेस कर देते हो, फिर भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। बाकी सब पार्ट्स रिप्लेस करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और वो लोग का पैसा बनता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाएं मैं लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।